हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है जावेद। आप देख रहे हैं हेल्पफुल लास्ता यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपने तत्काल टिकट बहुत बार बुक किया होगा। ऐसा कई बार हुआ है जब आदमी को कहीं अर्जेंट जाना होता है तो तत्काल टिकट का सहारा लेता है, लेकिन नॉर्मली तत्काल टिकट जब आप बुक करते हैं तो आसानी से तत्काल टिकट मिल नहीं पाता है। TQWL मिल जाता है, यानी कि तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। तो दोस्तों, TQWL कितने नंबर तक कन्फर्म हो सकता है, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आगे बढ़ने से पहले प्यार भरा रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, तत्काल टिकट की अगर हम बात कर रहे हैं तो बात करते हैं तत्काल टिकट कोटे की। जब भी आप कोई ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो तत्काल टिकट का एक कोटा होता है। एक दिन पहले नॉर्मली तत्काल टिकट का कोटा खुलता है। जैसे कि मान लीजिए 130 टिकट है तत्काल कोटे में, तो जब भी आप तत्काल टिकट बुक करते हैं तो 130 सीटें भरने के बाद एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, इस तरह से वेटिंग टिकट मिलना शुरू हो जाता है तत्काल कोटे में। यानी कि जब 130 सीटें भर जाती हैं तो 131 अगर कोई टिकट बुक करेगा तो उसको एक वेटिंग मिलेगा। इस तरह से जो भी टिकट बुक करते जाएंगे वो वेटिंग होते जाएंगे आगे की तरफ। तो दोस्तों, TQWL इतना मुश्किल क्यों होता है कंफर्म होना, क्या कंफर्म हो पाता है? तो आपको बता दूं दोस्तों, तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट में जो टिकट होते हैं वो कंफर्म होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। 100% की अगर हम बात करें तो 100% में से मान लीजिए सिर्फ 5% ही चांस होंगे टिकट कंफर्म होने के। इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन है तत्काल कोटा में अगर कोई टिकट कंफर्म है तो अगर वो कैंसिल करेगा, अपनी जर्नी कैंसिल कराएगा, तो फिर आपका टिकट कंफर्म होगा। एक टिकट अगर कैंसिल कराता है कोई भी तत्काल में तो आपका वेटिंग एक कंफर्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जिसको भी ट्रेवल करना होता है तत्काल में वो नॉर्मली तत्काल कोटे का टिकट कैंसिल कराता नहीं है, क्योंकि लोग अर्जेंट ट्रेवल करना चाहते हैं तो अर्जेंट में कौन टिकट कैंसिल कराता है। अब किसी वजह से मान लीजिए उसको ट्रेवल नहीं भी करना है तो भी वो अपना टिकट कैंसिल नहीं कराएगा, क्योंकि कैंसिल कराने पर कोई भी पैसा वापस नहीं होता है, सारे के सारे पैसे इंडियन रेलवे रख लेता है। तो दोस्तों, अगर एक भी वेटिंग है तो बहुत ज्यादा मुश्किल है आपका टिकट कंफर्म हो पाना। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।